हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित व्यास, फैकल्टी ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल PGTP, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू लेसन करियर इन फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम करियर ऑप्शन की बात करेंगे, फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या करियर ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन। एंड फर्स्ट थिंग इज दैट यू कैन बी अ टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसे आप PE टीचर हो सकते हैं आपके स्कूल में। यदि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं BPED, MPED, देन यू कैन टीच इन एनी स्कूल, ठीक है, एज अ PE टीचर। देन सेकेंड थिंग इज एज अ कोच, एक कोच भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। PE टीचर के बाद हम कोच, एज अ कोच भी वर्क कर सकते हैं। हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके एज अ कोच कर सकते हैं, लेकिन कोच के लिए हमारे पास डिप्लोमा होना जरूरी है, जो NSNIS पटियाला से होता है। ठीक है, एंड आता है फिजिकल इंस्ट्रक्टर, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, जो आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। यदि आपका जैसे ही 12th खत्म होता है, 12th के बाद डिप्लोमा होते हैं, 7 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, उसके बाद आप इंस्ट्रक्शन का, इस ट्रेनिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद एज आप किसी भी जिम में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। थर्ड चीज़ आती है एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिशियल्स ऑफ गेम। ऑफिशियल गेम मतलब कि इसका मतलब है कि आप किसी भी गेम से रिलेटेड स्पेसिफिक ऑफिशियल्स बन सकते हैं, कि आप उस चीज़ को जजिंग कर सकें, चीज़ों को बता सकें कैसे क्या होती है। तो ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। उसके बाद आता है योगा इंस्ट्रक्टर। यू कैन बी ए बिकम अ योगा इंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स कि आप आफ्टर 12th के बाद योगा डिप्लोमास होते हैं, 7 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, या वीक्स वाइज सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, तो वो करने के बाद भी आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी स्कूल में या किसी भी एकेडमी में आप एज अ योगा टीचर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद था स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड कमेंटेटर हम देख रहे हैं आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रही है चीज़ें, कि सबसे ज़्यादा कमेंटेटर हैं। जैसे हम क्रिकेट देखते हैं तो कमेंटेटर भी आजकल, उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और वो यदि स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड हो, मतलब उनका जो बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से हो, तो चीज़ें और ईजी हो जाती हैं। तो आपके गेम से रिलेटेड, यदि आपका क्रिकेट है या फुटबॉल है, इन सबसे चीज़ें रिलेटेड हैं, तो आप कमेंटेटर भी कर सकते हैं। और आजकल जर्नलिस्ट की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस चीज़ में भी जा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन। देन आता है एज अ डाइटिशियन एंड फिजियोथेरेपिस्ट। डाइटिशियन, आप एज अ प्लेयर रहे हैं पहले, तो आप अच्छे से किसी भी बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि उसको क्या खाना है, क्या लेना है, उसका डाइट क्या रहेगा, खाने में क्या होगा, चीज़ें क्या होगी, ठीक है, कि उसको क्या लेना चाहिए, आफ्टर वर्कआउट क्या लेना चाहिए, बिफोर वर्कआउट क्या लेना चाहिए, यदि उसको गेनिंग करना तो क्या करना चाहिए, यदि उसको लूजिंग करना है, तो इससे अच्छा है कि स्पोर्ट्स पर्सन से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तब एक ये भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें आप जा सकते हो। ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट भी आप जा सकते हो, ठीक है, कि आप फिजियोथेरेपिस्ट का भी कोर्स कर सकते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं डिप्लोमास होते हैं, 1 ईयर्स के सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आता है एज अ बायोमैकेनिस्ट, ठीक है, एज अ बायोमैकेनिस्ट वर्क कर सकते हो। लेकिन बायोमैकेनिस्ट का मीन्स क्या होता है कि आप एज अ रिसर्चर उस चीज़ को ले सकते हैं। जैसे कि आप एज अ रिसर्चर, एक गुड रिसर्चर, तो वो क्या करता है कि वो मैकेनिज्म को करता है कि आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, कि आप उसको एनालाइज करने के काम में ले सकते हो, किसी भी मूवमेंट को एनालाइज करके उसको, चीज़ों को आप कैसे, मतलब साइंटिफिक वे में कितना हेल्प कर सकते हो, तो वो एक बायोमैकेनिस्ट के तौर पे भी आपका करियर ऑप्शन चुन सकते हो। कि हम अच्छे लेवल पे देखें, ओलंपिक लेवल पे देखें, तो आप उस चीज़ को अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो इसे बायोमैकेनिस्ट में वर्क करके, ठीक है। द लास्ट वन इज दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयर। दैट मीन्स कि आप एज अ एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे भी जा सकते हो। कैसे कि एक जो क्वालिटी होती है स्पोर्ट्स पर्सन में, लीडरशिप क्वालिटी, वो वेल डेवलप्ड होती है, कि आपको कैसे आपकी टीम को मैनेज करना है, आपको कैसे किस चॉइस पे किसको खिलाना, तो उस चीज़ से हम कोरिलेट करके एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे भी हम उसको जा सकते हैं। कि जैसे कि आपको किसी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे भेजा जाए, तो आप कैसे आपके एम्प्लॉयज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये छोटे छोटे करियर ऑप्शन हैं फिजिकल एजुकेशन में, कि आप कैसे आपके फील्ड में आगे जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज, ये सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।